बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने लाल बर्रा तहसील के सहायक ग्रेड 3 प्रवाचक प्रेमेंद्र हरिनखेड़े को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर के दल द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने और गिरफ्तार किए जाने के बाद उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उसका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वारा सिवनी निर्धारित किया गया है। दरअसल आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर के दल द्वारा 19 जून 2022 को सहायक ग्रेड 3 प्रेमेंद्र हरिनखेड़े को उनके निवास पर बॉटनिकल कॉलोनी गर्रा तहसील लाल बर्रा के आवेदक अरुण जेठवा से 35,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया था। बालाघाट की लाल बर्रा तहसील में पदस्थ रीडर प्रेमेंद्र हरिनखेड़े द्वारा अरुण जेठवा से फैक्ट्री की जमीन से खसरे में नाम हटाने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने पर जबलपुर EOW द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर में प्रार्थी श्री अरुण जेठवा जी ने दिनांक 16 जून को शिकायत की थी कि लालबर्रा तहसील के बड़े बाबू श्री प्रेमेंद्र हरिनखेड़ा उनकी जमीन के नामांतरण के लिए उनकी जमीन से 3 अन्य भागीदारों का नाम हटाने के लिए 40,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं, जिसमें से 5,000 रुपये वो दिनांक 15 जून को ले चुके हैं। शेष 35,000 रुपये आज रिश्वत के रूप में वो ग्रहण कर रहे थे, जिसको लेते हुए उनको रंगे हाथ पकड़ा गया, उनके निवास स्थान में पकड़ा गया है। कार्रवाई जारी है। बालाघाट से रितेश सोनी की रिपोर्ट।